मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सिंहेश्वर थाना द्वारा कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में चोरी या छिनते किए गए मोबाइल फोन एवं बाइक के साथ तीन शातिर बदमाशों को धर दबोचा। मामले की जानकारी देते हुए सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया, सिंहेश्वर थाना को गुप्त सूचना मिली कि शांतिवन गली में एक मकान में कुछ लोग रहकर मोबाइल चोरी का काम करते हैं। उक्त सूचना का सत्यापन कर जब घर की घेराबंदी की गई तो घर से तीन लोग पाए गए, जिनकी पहचान झारखंड के साहेबगंज निवासी बबलू चौधरी, हपलू चौधरी एवं सोपान चौधरी के रूप में हुई। घर की तलाशी लेने पर एक बैग में 12 एंड्रॉयड मोबाइल और बबलू चौधरी के पॉकेट से एक कीपैड मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने घर के सामने से एक टीवीएस बाइक भी बरामद की। वहीं पूछे जाने पर इन लोगों द्वारा किसी भी तरह के वैध कागजात नहीं दिखाए और न ही संतोषजनक जवाब दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया, इन दिनों सिंहेश्वर मंदिर व आसपास के क्षेत्र में मोबाइल चोरी और छिनती की घटना काफी बढ़ गई और इन लोगों से गिरफ्तारी की इस तरह की घटना पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया, इस मामले में रूम मालिक की भूमिका पर भी जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में तीनों गिरफ्तार लोगों पर विधि सम्मत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शांतिवन गली में एक मकान में किराए के रूप में तीन व्यक्ति बाहरी रह रहे हैं, जिनकी गतिविधि संदिग्ध है। सूचना पर पुलिस जब गई वहाँ पर, उसमें से उस रूम का तलाशी लिया, एक स्क्रीन टच मोबाइल मिला, उसको लॉक खोलने के लिए कहा गया तो उस तीनों व्यक्ति में किसी ने लॉक नहीं खोला। तत्पश्चात पुलिस को शंका हुआ और बारीकी से रूम का तलाशी लिया तो एक बैग में 12 एंड्रॉयड मोबाइल मिला। और इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल मिलना, उसके बाद उस तीनों व्यक्ति से पूछताछ किया गया तो ना तो कोई कागजात दिखाए एवं ना कोई संतोषजनक जवाब दिए, जिससे पुलिस को विश्वास हुआ कि ये मोबाइल चोरी अथवा लूट का है। और टोटल 12 स्क्रीन टच मोबाइल है और एक बटन वाला मोबाइल है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है, जिस मोटरसाइकिल का यूज़ इन लोग करते थे। और ये तीनों पूछताछ में पता चला है साहेबगंज जिला के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। कब से यहाँ किराए का मकान में रहा? ये अभी तक जानकारी जो मिला है, इन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले ये किराए के रूप में यहाँ पे मकान लिए थे। इन लोग से पूछताछ में पता चला है, इस बात पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि जगह बदल करके आए मकान में रहते थे। मकान मालिक की कोई संलिप्तता है? उस बिंदु पे हम पूछताछ कर रहे हैं, अगर उनकी संलिप्तता आएगी तो वही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या अंतर्राज्य गिरोह का भी मामला हो सकता है? बिल्कुल, इसमें से एक दो मोबाइल के बारे में पता चला है कि ये सहरसा जिले से चोरी अथवा लूट का मतलब मोबाइल है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संबंधित थाना से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं,